तो जीएमएम फाउडलर की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडर्डलाउन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब क्रोर्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। तो गाइज सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 279.31 क्रोर्स का इनकम जनरेट किया है, और अगर ये सितंबर 2022 के क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 257.15 करोड़ का इनकम जनरेट किया था, एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 209.5 करोड़ का इनकम। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में जीएमएम फाउडलर ने बोथ केसेस में, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 250.88 करोड़ का खर्चा किया है, सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 228.23 करोड़ का खर्चा किया था, एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 182.73 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहां से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सिमेटली 10.18%, सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के अप्रॉक्सिमेटली 11.25%, एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सिमेटली 12.78% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 22.45 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है, सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 21.35 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था, एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 19.53 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 4.99 की, सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 4.87 की, एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 4.45 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह बोथ केसेस में पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो जीएमएम फाउडलर के प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ को छोड़कर के बाकी कंपनी की इनकम, प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ पॉजिटिव में है। सो एट द एंड ऑफ द डे जीएमएम फाउडलर ने दिसंबर 2022 के क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।